हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको अंतिम खाते करा रही हूँ। अंतिम खातों में आपको मैं ट्रेडिंग अकाउंट का प्रश्न करा रही हूँ। सबसे पहले आपको अंतिम खाते बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। उत्पादन से लेकर बिक्री योग्य, यानी जब तक बिक्री नहीं होती, बिक्री योग्य सामान को बिक्री योग्य बनाने तक के जो खर्च होते हैं वो सब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जो प्रत्यक्ष खर्च होते हैं वो आपके आते हैं। जितने भी खर्च होंगे वो डेबिट साइड आते हैं, जितने भी लाभ होंगे वो क्रेडिट साइड आते हैं। सबसे पढ़ते हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री राकेश साहा का व्यापारिक खाता बनाइए। सबसे पहले दे रखा स्टॉक 1/4/2018। ये ओपनिंग स्टॉक है। जो माल वर्ष के अंत में बच जाता है वो अंतिम स्टॉक कहलाता है, और वही माल अगले साल प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक ही लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक 10,000। इसके बाद अगली है परचेज। माल को हम क्रय, माल को क्रय कर जो किया जाता है वो सेकंड नंबर पे लिखते हैं। जो माल को क्रय किया गया है वो 50,000 किया है। यदि यहाँ पर कुछ है तो परचेज रिटर्न लिखते हैं। यहाँ पर परचेज रिटर्न दिया हुआ है माल को। कुछ माल जो है किसी कारण से खराब आ जाता है हमारे पास, या बिना ऑर्डर के आ जाता है, ऑर्डर हमने कुछ और किया, कुछ और माल आ जाता है, तो उसे हमें वापस करना पड़ता है, तो उसे हम घटा देते हैं। परचेज में से हमने परचेज रिटर्न घटा दिया। सेल्स हमारी लाभ होगा, बेचेंगे तो माल, तो ये इधर आएगा टू सेल्स अकाउंट। सेल्स जो है वो 78,000 दी हुई है। यहाँ कहीं पर भी हमारी सेल्स रिटर्न नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न होती तो माइनस सेल्स रिटर्न कर देते। नेक्स्ट है मजदूरी। माल को बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, मजदूरों को वेजेस दी जाती है, तो वेजेस खर्चा है, तो वेजेस 1500 है। यहाँ पर 1500 हम इस कॉलम में लिख देंगे डेबिट साइड। मशीनरी व्यापार में मशीनरी, लेकिन पूंजीगत खर्च है। जितने भी पूंजीगत खर्चे होते हैं बैलेंस शीट में आएंगे, अतः ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। फर्नीचर भी पूंजीगत है तो ये भी ट्रेडिंग में नहीं आएगा। रेलवे भाड़ा, जब माल को लेकर आए तो हम रेलवे द्वारा लाए, कच्चा माल जब खरीदते हैं, जब कच्चा माल खरीदते हैं तो ये तो है नहीं कि हम साइकिल पे उठा के ले आएंगे, तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा सामान होता है, तो उसके लिए हम रेल वगैरह का इंतजाम करते हैं। तो जितने भी खर्च होते हैं वो हमारे डेबिट साइड आएंगे, तो रेलवे फ्रेट जो है डेबिट साइड आएगा। आंतरिक गाड़ी भाड़ा, देखिए यहाँ पर कैरीज इन वर्ल्ड है। अगर यहाँ आउट वर्ल्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता, लेकिन यहाँ आंतरिक गाड़ी भाड़ा है, यानी हमने माल मंगाया है, कच्चा माल मंगाया है, जो कच्चे माल को आंतरिक भाड़े को यहाँ पर लिखते हैं कैरी सीन वर्क। कैरी सीन वर्क 100 रुपए है। नेक्स्ट कारखाना भी है, जिसके भी आगे फैक्ट्री वर्ड आ जाए वो आपका ट्रेडिंग में आता। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 600 रुपये। निर्माणी व्यय, निर्माण के जितने भी खर्च होते हैं व्यय पता चल रहा है, तो वो हम भी हमारे इसी में ही आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। चुंगी, जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, ये देनी पड़ती है माल को खरीद के लेंगे, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी डेबिट में ही आएगी। अंतिम रहतिया ध्यान रखिए, ओपनिंग स्टॉक इधर आता है तो अंतिम रहतिया क्रेडिट साइड आएगा। माल सारा तो बिक नहीं सकता, कुछ रुक भी जाता है, जैसे पिछला माल रुक गया था ऐसे ही इस साल भी माल रुक जाता है। जो माल रुक जाता है वो हम इधर लिखते हैं 1,10,000। फिर हम उसके बाद
दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। इधर का अगर हम टोटल करेंगे तो इधर का 88,000 आएगा। इधर का टोटल करते हैं 0, 1 और 4×5=6,62,600। बड़ी रकम में से छोटी रकम को घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5 और 8 में से 6 गए 2। बड़ी रकम को दोनों तरफ लिख देते हैं। दोनों बराबर होने चाहिए और इस जो ये रकम है जो यहाँ पे निकली है टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 25,400।